असलकम वर हमला वर्का जन्नत की सीरीज़ को हमने एक दफ़ा फिर स्टार्ट किया है हज़ार के करीब दुरुस्त हम पहले रिकॉर्ड करा चुके हैं तो आइए कुछ और बातें जन्नत की हज़रत अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह तहु से रवायत है कि हज़ूर अक्रम सल्ला वसम नेत फरमाया बेशक मोमिन के लिए जन्नत में ऐसे मोतियों के खेमे हैं कि जिसके अंदर जो है वो खौलदार है यानि कि अंदर से सुराख होता है ना इसके अंदर खोल आप कहते हैं तो सुराख वाले खैमे यानी मोती है पूरा मोती का खैमा है ये कपड़े के खैमे नहीं है लेदर के खैमे नहीं है कोई सिंथेटिक मटेरियल के खैमे नहीं है बल्कि मोती का खैमा है और जिसकी आसमान में लंबाई साठ मील है अकबर अल्लाह अकबर मोमिन के लिए इसमें ऐसे घर वाली होंगी कि जब मोमिन इनके पास आएगा तो वो बीवियाँ एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी और एक रिवायत में आता है कि इनकी चौड़ाई साठ मील है सिक्सटी माइल्स कोई सौ किलोमीटर करीबन सौ किलोमीटर बड़ा मोती अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इमेजिन भी नहीं कर सकते हम इतना बड़ा मोती है और उसकी कैफ़ियत यह है कि उसके अंदर मोमिन के लिए एक नहीं बल्कि एक से जायद जन्नती बीवियां मौजूद हैं उनमें से जब वो किसी बीवी के पास जाएगा तो दूसरी बीवी ओ उतनी दूर होगी मसाफत में कि एक बीवी दूसरी को नहीं देख सकेगी ये सही मुस्लिम की रिवायत है किताबुल जन्ना में बाब जन्ना हदीस नंबर टू एट थ्री एट हज़रत अब इब्न अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं वो ख़ैमा जो है एक खौलदार मोती का होगा <स्थाँगा> सुराख होता है ना मोती में आप जैसे तस्बी के दाने खौलदार होते हैं ना इसलिए उसके अंदर सी यू कैन थ्रेड आप डाल सकते हैं तो खौलदार जो है वो मोती होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक फ़रसक़ होगी इसके एक हज़ार सोने के दरवाज़े होंगे अल्लाह अकबर अकबर अल्ला <ख्याँ> यानी मोती का ख़ैमा दरवाज़े सोने के और इतना बड़ा ख़ैमा है उसके दरवाज़े भी हज़ार और कैफियत ये है कि जिनके गिरद शामियाने होंगे जिनकी गोलाई पाँच फरसख की होगी इसके पास हर दरवाज़े से एक फ़रिश्ता आएगा जो इसे अल्लाह की तरफ से हदिया देगा अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हर दरवाज़े से एक फ़रिश्ता आ रहा है हज़ार दरवाजे तो हज़ार फरिश्ते आ रहे हैं और हर फरिश्ता अल्लाह के पास से एक तहफ़ा है यानी हज़ार तोहफा ये एक खेमे का हाल है और जन्नती के पास कोई एक खेमा थोड़ी होगा सुबहान अल्लाह ये मेरे रब की करम नवाजियाँ इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी आँखों ने नहीं देखा कानों ने नहीं सुना तुम्हारे वहमु गुमान में भी नहीं पहुँची वो चीज़ें जो हम तुमको अता करेंगे ये तो अल्फाज में से कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वहाँ सुनने से मुराद असल सुनना है कि जन्नती आवाज़ों को सुना तो नहीं है ना किसी ने जन्नती चीज़ों को देखा तो नहीं है ना किसी ने ये तो हुजूर ने हमें जो बताया सहाबा ने हुजूर से सुन के आगे बताया तो वो बात हम तक पहुंची, लेकिन असल तो किसी ने जन्नत नहीं सुनी असल तो जन्नत नहीं देखी असल तो नहीं महसूस की हज़रत अबू हुर रदी अल्लाह रिवायत करते हैं कि हज़ूर अक्रम सल्ह वसलम की बारगा में अजा वजल के इस फरमान के बारे में पूछा गया शुरह शफ़ की मुबारक के इस टुकड़े को व माफी पाकिज़ा रिहाइश गाहों में जो हमेशा रहने के लिए बागों में हैं तो इर्शाद फरमाया कि जन्नत में मोतियों का एक महल है सुबहानल्लाबहान अल्लाह अल्लाह यानी एक तो मोतियों के ख़ैमे हैं और फिर मोतियों का महल भी है जिसमें सुर्ख याकूत से बने हुए सत्तर मकान हैं अल्ला अकबर हर मकान में सब्ज जमरत के सत्तर कमरे हैं हर कमरे में सत्तर तख्त हैं हर तख्त पर हर रंग के सत्तर बिछोने हैं हर बिछोने पर एक औरत है हर कमरे में दस्तरखान है, हर दस्तरखान पर अनवाकसाम के सत्तर खाने हैं हर कमरे में सत्तर खादम और ख़माएँ हैं मोमिन को इतनी क़वत अता की जाएगी कि वो एक दिन में इन सब से जिमा कर सकेगा अ तरगीब बरहीब किताब सिफतल जन्ना बाब अ तरगीबिलजन्ना उसमें फसल है फिर हदीस नंबर फोर्टी वन चार्ड्रेड एंड एटी फाइव तो आप अंदाजा करें वो महल कितना बड़ा महल होगा वो मोती कैसे मोती होंगे उसके अंदर मकान कैसे मकान होंगे कि एक महल है फिर उसमें कई मकान हैं और हर मकान में फिर कई कमरे हैं और कमरे भी ऐसे लकड़ियों के ईंटों के पत्थरों के बने वो जमरुत के बने हुए कमरे हैं और याकूत के बने हुए मकान हैं और हर कमरे में कई तख्त हैं और हर तख्त पर बिछोने हैं और बिछोने में एक औरत है हर कमरे में दस्तरखान है हैं हर दस्तरखान पर कई किस्म के खाने हैं और हर कमरे में सत्तर ख़ादम और ख़माएँ हैं अल्लाह अकबर इस मुक़दस महल के मुतक़ बाज मुफसरीन कराम बहुत शारहन हदीस ने यह भी लिखा है मिसाल के तौर पर जो है हाफिज दमियाती इसे आ, बयान करते हैं इस तरह के आ, ये जो मुक़दस महल है इसमें सबसे जमरत के चार सौ नबे कमरे हैं फोर हंड्रेड एंड नाइन्थी अट्ठाईस हज़ार छः सौ तीस तख्त और इतने ही खुदाम और इतने ही दस्तरखान चार हज़ार एक सौ बिछोने और इतनी ही औरतें और इतने ही रंगों के खाने होंगे फाना मला वला फतलू अलायु आता यानी पाख है वो ज़ात कि जिसके फ़जल की इंतहा कोई नहीं मला मल यूसा फतलहू अलाफु आता उ और जिसकी आता में कमी नहीं बेशक 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 हज़रत अब्दुल्बिन रज़ी अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक्रम सल्ह वसल्लम ने फ़रमाया कि कौसर जन्नत में एक नहर है एक तो एक हौज़ कौसर है ना हौज़ कौसर तो जन्नत में दाखिले से कबल जन्नतियों को पिलाए जाने वाला पानी जिस हौज़ से आएगा वह हौज़ कौसर है लेकिन हौज़ कौसर में पानी कहाँ से आएगा वो कौसर से आएगा जो एक नहर है जन्नत में तो कौसर जन्नत की एक नहर है वहाँ से पानी हौज कौसर में आएगा उस हौज़ कौसर से फिर मोमिन को पिलाया जाए तो कौसर जन्नत में एक नहर है जो और उसके किनारे सोने के और तह मोती और याकूत की है इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा पाकिजा है और उसका पानी शहद से भी मीठा है और बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है सोना अपने माजा किताब बाप सिफ़तल जन्नास नंबर फोर थाड एंड थर्टी फोर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तहु से रवायत है कि हजू अक्रम सम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि कोई सवाल अगर सौ साल तक इसके सय में चलता रहे फिर भी इसकी मुसाफत तय न कर सकेगा अगर तुम चाहो तो क़ुरान करीम की आए मुबारक पढ़ लो सुरवा में मौजूद है विल ममदूद व मा मस्कूब और हमेशा के साए और हमेशा के साए में और हमेशा जारी पानी में बुखारी शरीफ की रिवायत है किताब खलख बाब माजा फ़ीसफ़तल जन्ना और इसमें हदीस नंबर थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू हज़रत अब्दुल्ल अपने अब्बास रजी अलवा तुम फरमाते हैं कि विल ममदूद से मुराद जन्नत का एक तनावर दरख्त है कि इसके साए की मसाफत तेज़ रफ़्तार सवार के सौ साल सफ़र के बराबर है जन्ति लोगों में से बाला खानों वाले और दीगर लोग निकल कर इस दरख्त के साए के बारे में गुफ्तू करेंगे कोई दुनिया के किसी खेल को याद करेगा उसकी ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह जन्नत से एक हवा भेजेगा जो इस दरख्त को दुनिया के हर खेल के लिए मुतहरक कर देगी अ तरगीब बरहीब किताब सिफ़तल जन्नति व नार बद तरगीबिलजन्ना हदीस नंबर फिफ्टी फ़ोर नंबर चार सफ़ात टू एटी एट अब बहुत सारे भाइयों ने स्पेशली भाइयों ने सवाल किए थे कि सर अगर हम जन्नत में क्रिकेट खेलना जाएँ जन्नत में हम हमको कोई फुटबॉल खेलना चाहें से आप शॉकर कहते हैं या मुख्तलिफ कोई और खेल हैं जो हम खेलना चाहें इस रिवायत में साहबी का कौल आ जाता है हजरत अब्दुल्ल अबिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का यह आपने फरमाया कि दो चीज़ें फरमाई हैं यहाँ पे जन्नती लोगों में से बाला खानों वाले और दीगर लोग जो जन्नत में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में लोग हैं ना वो इस दरख्त के सए के बारे में गुफ्तु करेंगे यानी इस वो एक वहाँ पे भी कॉन्वर्सेशन के लिए टॉपिक्स होंगे जैसे दुनिया में आप कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स करते हो कहते ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तज्जिया निगारी करते रहते हैं हम घरों में बैठ के एनालिसिस करते रहते हैं तो वहाँ पर एक गुफ्तु होगी तो जन्नत की नियमतों के बारे में गुफ्तु होगी जन्नत के बारे में गुफ्तु होगी और मुख्तलिफ और टॉपिक्स पे गुफगु होगी लोग पूछते हैं सर वहाँ पर टॉपिक्स बोरिंग तो नहीं हो जाएगा हमारे यहाँ अजीब लोगों का जहन है जी कोई चैलेंजेस नहीं है तो जन्नत बोरिंग हो जाएगी हमने जन्नत को दुनिया जैसा समझ रखा है हमें चैलेंजेस चाहिए जन्नत कंटेनमेंट की जगह है एक बच्चे ने भी मुझसे कल सवाल किया था क्लास में के ये तो कोई चैलेंजेस होंगे जन्नत में मैंने कहा देखो जब तुम कोई एग्ज़ाम दो और एग्जाम में तुम्हारे हंड्रेड परसेंट से भी ज़्यादा हंड्रेड एंड वन परसेंट दे दे टीचर तुम्हें तुम्हारी खुशी की क्या कैफियत होगी तो कहने लगा कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा मैंने कहा बस जन्नत में इसी कैफियत में रहोगे कि बहुत खुश रहोगे वो खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी तो जन्नत की ये कैफ़ियत है तो जन्नत को समझो तो वहाँ गुफ्तगु भी हैं बातचीत भी हैं आपस में मिलना भी मिलोगे तो गुफ्तु करोगे ना और कोई दुनिया के किसी खेल को याद करके उसकी ख्वाहिश करोगे तो अल्लाह जन्नत से एक हवा भेजेगा जो इस दरख्त को दुनिया के हर खेल के लिए मुतहरक कर देगी सुबह अल्लाह वो क्या कैफियत होगी वो कैसे मुतहरक होगा वो खेल कैसे सामने आएगा वो खेल कैसे खेला जाए अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन इतना बड़ा दरख्तों का आप समझ लें कि कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर फील्ड ही फील्ड हैं जो मर्जी चाहे खेल खेलो वो इतना बड़ा दरख्त साया के सौ साल तक उसके नीचे चलते रहो तो जन्नत ख़त्म तो उसका साया ख़त्म ना हो और वो भी सवार घोड़े पे सवार सौ साल तक चलता रहे मालूम क्या होता है दुनिया से बड़ा यानी सारी दुनिया को एक दरख्त के साए के नीचे कर दो ना तो उससे भी बड़ा उसका साया होगा सुबहानल्लाबहान अल्लाह वह तो बिलियंस ऑफ क्रिकेट के ग्राउंड बन जाएंगे बिलियंस ऑफ क्रिकेट के ग्राउंड बन जाएंगे यूँ समझ लो आप या उससे भी ज़्यादा कि एक दरख्त का हाल है इसी तरह हज़रत अतबा बिन आब्द रजी अल्लाह तहु बयान करते हैं कि हजूर सल्ला वसम की बारगाह में एक बद्दू आराबी गाँव वाला देहाती आया और अर्ज़ की के जिस हौस के बारे में आप सल्ला वम बताते हैं वो कैसा है आरबी ने अर्ज़ किया फिर वो हदीस आगे है बड़ी लम्बी फिर आरबी ने अर्ज़ किया रसुल्ल वम क्या इसमें पल भी हैं फरमाया हाँ हाँ इसमें एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है वो फिरदौस को ढांपे हुए है अर्ज किया वह हमारी ज़मीन के किसी दरख्त से मुशाबहत रखता है यानी रिजेम्बलेंस कोई रिजम्बलेंस है दुनिया के किसी दरख्त से तो फरमाया वो तुम्हारी ज़मीन के किसी दरख्त से मुशाबहत नहीं रखता मगर क्या तुम कभी मुल्के शाम गए हो अर्ज किया नहीं आ रसूल्ला फरमाया वो मुल्क शाम के एक दरख्त की तरह का दरख्त है जिसे जोजा यानी नारियल कहा जाता है वो एक ही तने पर उगता है फिर इसकी शाखें फैल जाती हैं अर्ज़ किया इसकी जड़ लकी की कितनी है इसकी जो रूट्स हैं फरमाया अगर तुम्हारे पालतू ऊँटों में से चार साल की उम्र का ऊँट सफ़र करे तो इस वक्त तक उसकी मसाफत क़ता न कर सकेगा जब तक बुढ़ापे की वजह से इसके सीने की हड्डियाँ ना टूट जाएँ हल्ला अखबर इसकी जड़ों का जड़ों का आलम है अर्स क्या क्या कि इसमें अंगूर हैं फरमाया हाँ अर्ज किया इसके खोशे की लंबाई कितनी है फरमाया काले कव्वे के मुसलसल एक महीना इस तरह उड़ने के मुसाफत के वो ना गिरे ना रुके और ना ही सुस्ती करे ये एक शाख का आलम है अर्स किया जन्नत के अंगूर के एक दाने का हजम कितना है कितना बड़ा है एक एक अंगूर का दाना फरमाया क्या तुम्हारे बाप ने कभी अपने रेवड़ में से कोई बड़ा जंगली बकरा ज़िबा करके इसकी खाल उतार कर तुम्हारी माँ को दी है और कहा कि इसकी सफ़ाई करके रंग लो फिर इसे फाड़ कर एक बड़ा सा डोल बनाओ जिसके ज़रिए हम अपने मवेशियों को अपनी मर्जी के मुताबिक सैराब करा सकें अर्ज की हाँ या रसूल्ला फिर अर्ज़ किया वो दाना तो मुझे और मेरे अहल खाना को के पेट भरने के लिए काफ़ी है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि तमाम रिश्तेदारों को भी शामिल कर लो सिर्फ तुम्हारी फैमिली तक इसको कैद ना करो इतना बड़ा दाना है कबीर की है हदीस तीन सौ बारह नंबर सत्रह पेज ट्वेंटी सेवन एक बात आपने और की क्योंकि सवाल करने वाला एक आराबी था बद्दू था देहाती था तो मेरे प्यारे नबी वसल्लम ने हकमत से उसको उसके रहन सहन के मुताबिक मिसालों से समझाया कि भाई तुम्हारा भी बद्दू हो तुम ट्रेडर तो नहीं हो ना कि इधर उधर बिजनेसमैन तो नहीं हो ट्रैवल करते इसलिए पूछा कभी शाम गए हो हैं कभी शाम उन्होंने कहा शाम तो नहीं गया कभी अच्छा वहाँ एक दरख्त तो होता है जोज़ा कहते हैं उसे फिर उसको डिस्क्राइब किया कि वो एक ही तने पर उगता है उसकी शाखें फैल जाती हैं और उसकी अच्छा तो उसकी जड़ कितनी लंबी होती है तो अब चूंकि वो अराबी था गांव वाला था तो उसको ऊँटों की मिसाल से समझाए क्योंकि गांव वाले ऊँटों को समझते हैं हमारे यहाँ गांव में आ जाएं आप वो भेड़ बकरियों को आपके गायों को वो समझते हैं हम और आप नहीं समझते वो जिस तरह समझते हैं कहा अच्छा ऊँट देख चार साल की ऊँट उसको चार साल का ऊँट समझ में आता है हमको आपको चार साल का ऊँट नहीं समझ में आता हमें तो ऊँट ऊँट लगता है जी ऊँट है चार साल का क्या माना लेकिन देहाती समझता है कि चार साल का ऊँट क्या होता है उसकी रफ्तार क्या होती है वो किस दर्जा कमाल को पहुंच चुका होता है उससे समझाया कि चार साल का जवा साल ऊंट ओ सफ़र कर रहा है वो हड्डियाँ टूटने तक सफ़र करता रहे खत्म मरने तक सफ़र करता रहे नाकारा होने तक सफ़र करता रहे तो ये उसकी मसाफत फिर उसे साइज समझाना था कितना बड़ा एक एक अंगूर का दाना होगा तो उसे फिर वो देहातियों वाली एग्जाम्पल दी क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारे रेवड़ में से कोई जंगली बकरा जबा किया हो अब वो समझते हैं जंगली बकरा वो समझते हैं कि जंगली बकरा कितना बड़ा होता है आप में से भी शायद कुछ लोगों को एक्सपोजर हो जो इस तरह का मामला है वरना हमारे यहाँ अक्सर लोगों ने तो बकरे देखे ही सिर्फ ईदों पे होते हैं उन्हें खबर ही कोई नहीं होती बकरा होता क्या है बकरे पालते कैसे हैं उनकी देख कैसे की जाती है बकरियों का दूध कैसे निकाला जाता है कभी आपने घरों में पाले हैं बकरे आप में से कुछ लोगों ने पाले भी होंगे शायद तो वो देहाती आदमी था उसे समझाया उसको बात समझ में आ गई उनके घरों में यही होता है कि वो बाप ज़िबा करता है खाल अच्छा खाल भी निकाली जाती है तो वो भी एक तरीक़े से निकाली जाती है जो वो लोग समझते हैं जिन्होंने काम किया है कि खाल खींची कैसे जाती है कि आगे ख़राब ना हो फिर आगे उसकी दबाकी का काम होता है तो कहा तेरी माँ ने तूने देखा होगा कि कैसे सफ़ाई करती है फिर उस पर रंगती है जैसे चमड़े को करते हैं ना उसको चमड़े का एक प्रोसेस होता है जिसके बाद फिर आप तक वो पहुंचता है तो आपने तो सिर्फ उसकी जैकेटें पहनी होंगी चमड़े के पर्स यूज़ किए होंगे चमड़े के जूते पहने होंगे लेकिन चमड़ा बनने तक का क्या प्रोसेस है आपको नहीं वाकिफ़ होंगे आप शहरी लोगों को थोड़ी ख़बर है कि देहातों में क्या क्या तरीका वो उसको उसके लिहाज से समझाया फिर उसका आगे बड़ा सा डोल तो ओ वहाँ ओ डोल समझता है वो दो तो डोल तो बहुत बड़ा होता है हाँ ये उसका एक दाना है को इतना बड़ा दाना इससे तो हम सारा खानदान खा ले खा हाँ ना ना खानदान तुम्हारी सिर्फ फैमिली नहीं तुम रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लो तो आपको ये खोल खोल कर बात बयान करने की क्या कुछ लोग इस पर भी चिड़ जाते हैं खरसा जी वो आपने हदीस बयान कर दी तो फिर ये आगे आगे हम इसलिए बयान करते हैं कि हो सकता है आप माशाला से बड़े अक्लमंद समझदार आदमी हैं बड़ी जीरक आदमी है बड़ा एक्सपोजर ऑफ लाइफ है आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी इन डेप्थ है आपको समझ में आ जाती होंगी बात हर किसी को आपके लेवल पे नहीं समझ में आती तो दूसरे के लिए ज़रा रियायत कर दिया करें आप इतने जहीन आदमी हैं माशा तो जहानत का मुतालबा ये भी है कि ज़रा रियायत कर दिया करें दूसरों के लिए भी फ़ौन गुरूरतकबूर के घोड़े पर ना बैठ जाया करें कि मेरी समझ में आ गई तो सब की समझ में आ गई है <laughs> देखे ना अब होता क्या है हमारे यहाँ तालब इलम जो होते हैं ना वो अपने लिहाज से सोच रहे होते हैं और जो उसद होता है वो सब के लिहाज से सोच रहा होता है तो यहाँ फ़र्क आ जाता है अल्लाह हिदायत दे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू हुजैल रज़ील्ला फरमाते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्ल इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तहु के पास शाम या यमन में बैठे हुए थे कि जन्नत का तस्करा शुरू हो गया तो हज़रत अब्दुल्ल अबन मसूद ने फरमाया कि जन्नती फल के खोशों में से एक खोशा यहाँ सना यमन के एक मुकाम का नाम यहाँ तक होगा अल्ला अकबर ये एक खोशा बंच ऑफ ग्रेप्स कितने ग्रेप्स होते हैं उसमें एक बंच में पचास साठ बहुत बड़ा खोशा हुआ तो सौ दाने निकाल लोगे मुश्किल से ओ ए इधर से लेके उधर एक कोने तक इतना बड़ा वो आपने कभी देखा है कहाँ सना कहाँ है यमन का एक बहुत बड़ा शहर है आज भी है इतना बड़ा होगा वो सुबह अल्लाह चले इन शह फिर जन्नत से मुतल कुछ और तफसलत आपको अगले दर्श में बताते हैं आज यहीं पे दर्श का अख्तितम करते हैं अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और जन्नत के लिए कोशिशें तो करते रहें अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए अमीन अल्ला महमदूँआ महमदिनसल्लासम